सीएससी नॉलेज बेस में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस लाल बटन पर क्लिक करें और नई अपडेट सबसे पहले देखने के लिए इस घंटी को दबाएं। अब महाराष्ट्र के गरीब परिवारों को सरकार के द्वारा मिलेगी मुफ्त में चिकित्सा सुविधा। महाराष्ट्र सरकार राज्य के गरीब लोगों के लिए एक योजना लेकर आई है जिसका नाम है महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना। यह एक स्वास्थ्य योजना है जो मुफ्त में स्वास्थ्य संबंधित सुविधा उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस योजना से जुड़ी सभी जानकारी, वो भी पूरे विस्तार से। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। आज भी हमारे देश में बहुत से ऐसे गरीब परिवार हैं जो आर्थिक तंगी के चलते अपने परिवार के लोगों का इलाज नहीं करा पाते और सस्ती चिकित्सा सुविधा न होने के कारण बहुत से गरीब परिवारों के लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए सरकार द्वारा देश भर में अलग अलग योजनाएं चलाई जाती हैं। ऐसी ही एक पहल महाराष्ट्र सरकार ने भी की है, अपने राज्य में महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना को लाकर। वैसे ये कोई नई योजना नहीं है, यह राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना ही है जिसका नाम बदलकर अब महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना कर दिया गया है। तो चलिए अब मैं आपको इस योजना के लाभ के बारे में बता दूं। यह योजना खास तौर पर राज्य के गरीब लोगों के लिए आरंभ की गई है। अब गरीब वर्ग के लोग किसी भी सरकारी अस्पताल में जाकर 1.5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में करा सकते हैं। इसके अलावा आश्रमशाला, अनाथालय, वृद्धाश्रम और पत्रकार भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को वार्षिक आधार पर प्रति परिवार अधिकतम 2 लाख रुपए तक की बीमा राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ केवल ऑरेंज कार्ड, येलो कार्ड, अंत्योदय कार्ड और अन्नपूर्णा कार्ड वाले लोगों को ही मिलेगा। इस योजना में करीब 500 अस्पतालों को पंजीकृत किया गया है जिसमें 1100 चिन्हित बीमारियों को कवर किया गया है। इस योजना के जरिए पंजीकृत अस्पतालों में बीमा धारक को कैशलेस और तत्काल सेवाएं भी प्रदान की जाएगी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इस योजना के तहत कौन कौन सी बीमारियां या फिर कौन सी सर्जरी है जो कि इस योजना के तहत मुफ्त में आप करा सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सभी सर्जरी और जो भी इलाज होंगे वो सब डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं आपको बताता हूं कि आपको इस योजना में आवेदन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो इसमें सबसे पहले है मरीज की 3 रंगीन फोटो लगेगी, उसके बाद डॉक्टर का प्रमाण पत्र जिसमें बीमारी की जानकारी समेत उस पर आने वाले खर्च का जिक्र हो, इसके बाद सालाना आय का सर्टिफिकेट, राशन कार्ड और लास्ट में मरीज की बीमारी का विवरण भी होना चाहिए। और अंत में बात कर लेते हैं कि आप इसके लिए आवेदन कैसे करेंगे। तो अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इस योजना में आवेदन करना होगा। इस योजना के लिए आप ऑफलाइन मोड के माध्यम से नजदीकी अस्पताल में जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए अस्पतालों में अपने जरूरी डॉक्यूमेंट को ले जाना ना भूलें। और मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो आपको ये अपडेट कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से वो भी पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।